61वीं अशरफी लाल अरुण कुमार जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ विजयनगर स्थित स्पोर्ट्स बज में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर जीएसटी मारुति शरण चौबे और विशिष्ट अतिथि चंद्रमोहन सचदेवा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 61वीं अशरफी लाल अरुण कुमार जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में अतिथियों ने जिला बैडमिंटन संघ के कार्यों की सराहना की और आयोजन के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि मारुति शरण चौबे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और कहा कि जिला बैडमिंटन संघ उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रही है। मैं इस आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के समचीन समय में इतने ज्यादा खिलाड़ियों की सहभागिता के आधार पे इस मैच का आयोजन किया है। मुझे अभी पता चला है कि इसमें 400 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है और मैं बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा और इसके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे और आगरा के बच्चे वो समय आएगा जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीतेंगे। 61वां जो बैडमिंटन स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो हो रहा है उसका बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो अपने देश के और शहर के प्रदेश के बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने का ये मंच मौका देता है। मैं उसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर संघ की 64वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। जिला बैडमिंटन संघ के मुख्य संरक्षक महेश नौटियाल, जेएस फौजदार, राकेश मिनोजा, अमन कुमार और पंकज अग्रवाल ने केक काटकर वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रमोहन सचदेवा ने सबसे ज्यादा पंजीकरण पर सभी कोचिंग संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने कहा कि जिला बैडमिंटन संघ ने बैडमिंटन खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इससे आगरा के खिलाड़ी आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं। 61वां बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और मैंने देखा है मून परिवार ये कार्यक्रम हर साल में 2-3 बार कराता है और बच्चों का उत्साहवर्धन करता है और मैं अग्रिम बधाइयाँ सभी बच्चों को देना चाहता हूँ जो बच्चे आज इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं और हमारे बच्चों को देश और विदेश में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके आयोजकों को और बच्चों को है जो इस तरीके के प्रोग्राम कराते हैं और करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप 61 के अंदर आके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और जो उत्साह देखने को मिला वो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन हमारे शहर के लिए अति उत्साहवर्धक होंगे और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं सबके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप आगरा के ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों ही शानदार और ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इनको बहुत ही शुभकामनाएँ देता हूँ। आगरा में बैडमिंटन का इस तरह से पनपना एक बहुत सुखद एहसास है। फैसिलिटीज़ का बढ़ना और ऑर्गेनाइजर्स का साल में 6 या 7 टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराना विद प्राइज मनी आगरा में बैडमिंटन के सुंदर भविष्य को दर्शाता है। धन्यवाद। सुमित चौहान ने पुरुष एकल में रजत को 30-28 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। अंडर 13 बालक वर्ग में जस्ट चौधरी, सार्थक कश्यप, नलिन और श्रेष्ठ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। अंडर 15 बालक वर्ग में शुभम सिंह, पृथ्वी और चंद्रकांत ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। अंडर 17 बालक वर्ग में माधव, अथर्व रावत और अंकुर ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। ये जो 61वां डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है ये श्री अशरफी लाल अरुण कुमार जी की स्मृति में होता है जो कि मेरे फादर और ब्रदर हैं। ये जो इस बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रहा है इसमें रिकॉर्ड से भी ज़्यादा एंट्री आई हैं लास्ट ईयर से भी। ये करीबन 400 एंट्रीज क्रॉस कर चुका है। इसमें इस वर्ष अंडर 9 से लेके 45+ तक की हर कैटेगरीज में मैचेस हो रहे हैं। आज पहला दिन है इसका, उद्घाटन का दिन है, तो आज सारे लीग मैचेस का चरण चल रहा है। आज और कल सारे लीग मैचेस चलेंगे। कल शाम के उस टाइम से इसमें क्वार्टर फाइनल
और फिर परसों फाइनल वाले दिन इसमें सेमीफाइनल और फाइनल सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो इस प्रतियोगिता में बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हमें कुछ देश के लिए, प्रदेश के लिए नए सितारों का मिलना हो जाए। हाँ, इस बार कैश प्राइज मनी 50,000 रुपये है जो प्लेयर्स को दी जाएगी, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट होता है, जो कि प्रथम चरण होता है। आपको कहीं भी परफॉर्म करना है, उस सर्टिफिकेट के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो एक मूल है, जो मूल किया जाता है यहाँ पे, तो ये मूल होती है डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसी के आधार पर लोग आगे परफॉर्मेंस के आधार पर जाते हैं। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल, कोषाध्यक्ष आशिफ अली, संयुक्त कोषाध्यक्ष पवन मंगल, संरक्षक एस तरकर, संयुक्त सचिव नंदी रावत, कार्यक्रम के आयोजक सचिव निश्चल जैन, एमपी बाला मयंक कपूर, निखिल कुमार, अर्णव कुमार, प्रणव कुमार, अभिषेक चौहान, अनुभव सक्सेना, नीतीश तिवारी, अविनाश चौधरी, राजीव सोए, अमिताभ गौतम, विजय पाठक आदि उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में एमपी बाला, हरेंद्र कुमार, अमन, पृथ्वी, अमृत, राधा, वंश, शुभम और पलक शामिल रहे।